जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 2024। जी हां साथियों, गोपालकों को मिलेगा 1 लाख रुपए का बिना ब्याज के लोन। यानी कि जो भी गाय पालने वाले हैं उन गाय पालने वाले लोगों को या किसानों को 1 लाख रुपए का बिना ब्याज का लोन देगी सरकार। इसके ऊपर 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार और उस प्रथम चरण में 5 लाख लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। तो इसी की जानकारी हम देखने वाले हैं, ताजा खबर क्या आई है उसको हम देखने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर योजना आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी जो भी योजना आएगी तत्काल प्रभाव आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई देखते हैं इसकी खबर क्या है उसको देखते हैं। राजस्थान गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2024, गोपालकों को 1 लाख रुपए बिना ब्याज का लोन मिलेगा। प्रथम चरण में 5 लाख लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ। 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। जी हाँ साथियों, इस योजना के ऊपर स्पेशल 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। और ये जो खबर है ये आपको स्क्रीन पर मिलेगी, यहाँ पर आप आराम से देखते रहिएगा और मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, आप मेरी बातों को भी ध्यान से सुनते रहिएगा। चलो देखते हैं भाई खबर क्या आई है। दैनिक भास्कर की न्यूज है, डेयरी उद्योग का निरंतर विकास, दुग्ध क्रांति की ओर बढ़ता राजस्थान। यानी कि डेयरी उद्योग का निरंतर विकास हो रहा है, जो डेयरी खोलने का काम कर रहे हैं वो निरंतर बढ़ रहा है। क्योंकि भाई पशु पालेंगे तो दूध बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा तो डेयरी खुलेगी, तो डेयरी खुलेगी तो भाई विकास तो होगा ही। और दुग्ध क्रांति की ओर बढ़ता राजस्थान, यानी कि दूध क्रांति की ओर बढ़ता राजस्थान का मतलब ये है कि दूध बढ़ रहा है, लोग पशुओं को पालने में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं और फिर वो क्रांति अपने आप बढ़ेगी, समझ रहे हो। तो सरकार भी इसके लिए अच्छे अच्छे नए नए योजनाएं ला रही है, नए नए कदम उठा रही है। दुग्ध उत्पादकों का सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण राज्य सरकार का संकल्प, यानी कि जो भी दुग्ध उत्पादक हैं उनका सामाजिक और आर्थिक कल्याण करने का काम सरकार का है। कि भाई जो भी दूध उत्पादक हैं, जो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, भेड़ बकरी पालते हैं, जो भी पशु पालते हैं जिनसे दूध उत्पन्न होता है, तो उनके लिए सरकार और भी अच्छे अच्छे नए नए वो ला रही है, योजनाएं ला रही है, कदम उठा रही है, ठीक है। गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसमें देखो 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर। यानी कि 1 लाख रुपए का लोन आपको मिलेगा अगर आप गाय पालते हो तो। इसमें चित्र दिख रहा है ना आपका, गाय का, ये भजनलाल सरकार, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री। तो ऐसे आप अगर आप अपने घर में गाय पालते हो तो आपको 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा जो बिना ब्याज के रहेगा। चुकाना तो पड़ेगा, किस्त तो भरनी पड़ेगी साथियों, लेकिन आपको बिना ब्याज के ही चुकाना पड़ेगा, किस्त बांध देंगे वो। प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक होंगे लाभान्वित, यानी कि पहले चरण में 5 लाख गाय पालने वालों को मिलेगा इस योजना का लाभ। अच्छा, योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। डेयरी से संबंधित गतिविधियों जैसे गोवंश के लिए शेड है, खेली का निर्माण, दुग्ध चारा बांटा संबंधी उपकरणों की जरूरतें होंगी पूरी। यानी कि भाई आप गाय पालते हो तो उनके लिए रहने के लिए टीन सेट करवा दो, खेड़ी खाड़ी बनवा दो पानी पीने के लिए, ठीक है। और भी भाई बांट चारा चूरा खड़ काकड़ा जो भी आपको लाना है वो आप चारा चूरा और बांट बूंट ले आओ, ताकि आप उनको एक बार सुचारू रूप से चालू कर सको काम को, है ना। फिर बाद में दूध बेचने लग जाओगे, दूध बेचने लग जाओगे तो दूध के पैसे आएंगे। भाई 40-50 रुपए लीटर बिक रहा है गाय का दूध, तो 50 रुपए लीटर जब गाय का दूध बिक रहा है, 2 किलो ही हो गया 100 रुपए का, तो महीने के 3,000 तो सीधे हो गए। 4 किलो भी दूध बेचते हो तो 6,000 रुपए तो सीधे हो गए आपके। तो इससे आपकी बचत भी होगी, आप किस्त भी भर दोगे
और अपना घर परिवार भी चला लोगे, फिर आगे आगे और भी उन्नति करोगे, फिर एक गाय की जगह दो गाय पालोगे, तीन पालोगे, इस प्रकार से फिर धीरे धीरे डेयरी खोल दोगे, तो ऐसे अब आपकी उन्नति भी हो जाएगी साथियों। ठीक है, ये चीज है। ऐसे सरकार आपको ये 1 लाख रुपए का लोन दे रही है ताकि एक बार आप काम शुरू कर दो बस, फिर काम शुरू करने के बाद में लोभ आ जाएगा तुमको, अरे भाई दूध में कमाऊंगा पैसा आवेगा, फिर लोभ आ जाएगा तो फिर और बढ़ाओगा काम ने, फिर और बढ़ाओगा तो अपना आप लखपति बन जाओगा फिर, हैं ये बात है। अच्छा जी, 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की होगी स्थापना, 20,000 डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी सरकार, किसानों को दूध की मिलेगी सही कीमत, आपको बढ़िया रेट पर दूध लेगी सरकार, ठीक है 50 है तो और बढ़ा देगी 60 रुपए किलो कर देगी, फिर आप बढ़िया तरीके से और कमाओगे, नए दुग्ध प्रोसेसिंग क्लस्टर होंगे स्थापित, कलेक्शन पाश्चराइजेशन कोल्ड स्टोरेज एवं पैकेजिंग की होगी बेहतर व्यवस्था, फिर आपका जो दूध है इनका पैकिंग में जाया करेगा, किसानों को दूध खरीदा जाता है फिर उनका पैकिंग होता है, अमूल है और भी बहुत सारे दूध हैं, इनको मॉइस्चराइजेशन करके बढ़िया पैकिंग में करके फिर इनको बेचा जाता है और भी अच्छी कीमतें में, प्रत्येक ब्लॉक में आवश्यकता अनुसार नई गौशालाओं का होगा निर्माण, और हर ब्लॉक में हर पंचायत में या हर तहसील में कम से कम एक गौशाला तो होगी ही होगी, तहसील के स्तर में तो साथियों दो दो तीन तीन गौशाला भी हो सकती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गौशालाओं का भी निर्माण कराएंगे। आपनों अग्रणी राजस्थान, गोपालन विभाग राजस्थान। ठीक है साथियों, तो ये है खबर जो मैंने आपको अच्छे से शेयर की है और आपको अच्छे से समझा दी है। ये जो खबर है आपको मिलेगी ओमवीर योजना के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कुछ बात पूछनी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब दे देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएँ निकलती हैं तमाम योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूँगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।